नागौर शहर के रमन टोला पटपरनाथ में बसंत पंचमी पर्व के दिन से 30 दिवसीय मेले का आयोजन लगातार 85 वर्षों से किया जा रहा है। पूर्व में मेले में अंडा और मांस की दुकानों की पूर्ण रूप से पाबंदी थी, लेकिन मेला प्रांगण में अब मांस और अंडे की दुकानें सजने से अराजक तत्वों के साथ शराबियों का जमावड़ा लगने लगा, जिससे महिलाओं को परेशानी हो रही है। बजरंग दल के प्रखंड संयोजक वरुण गुर्जर और विश्वंदु परिषद के प्रमुख शशि शेखर सिंह ने एक ज्ञापन इस मामले में एसडीएम को सौंपा है और इन दुकानों पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की है। नागौर में 85 साल से ये मेला लगाया जा रहा है। उस मेले से हमारे हिंदू समाज की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है और वहाँ पर मांस मुर्गे अंडे की दुकानें लगती हैं, बिरयानी की दुकानें लगती हैं और शाम होते ही शराबियों का जमावड़ा लगता है। उसी के संबंध में आज एसडीएम साहब के नाम तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा गया है।